Today we will start our new lesson, Zaire, land of dense forest. Zaire जो है ये अफ्रीका की एक कंट्री है. ठीक है, पहले आप लोग को समझ में आए Zaire है क्या, ये टॉपिक तो समझ में आ जाए पहले. Zaire एक कंट्री है, वो भी किस कॉन्टिनेंट में है, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में. और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक अनदर नेम है डार्क कॉन्टिनेंट. क्या नाम है इसका, डार्क कॉन्टिनेंट. तो Zaire क्या है, एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री. हियर वी विल स्टडी अबाउट द इक्वेटोरियल रीजन. हम लोग यहाँ पे किस एरिया या रीजन की बात कर रहे हैं, वो है विषुवतीय क्षेत्र. मींस हम विषुवतीय क्षेत्र के रीजन क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे. दिस रीजन इज सिचुएटेड अलोंग द इक्वेटर ऑन बोथ साइड. इक्वेटर के दोनों साइड पे ये रीजन सिचुएटेड है. इक्वेटर आप लोग पढ़े ये हो गए, एक लैटिट्यूड है जो अर्थ को टू पार्ट में डिवाइड करता है, वो भी इक्वल पार्ट में, मीन्स अर्थ के एकदम मिडिल से गुजरता है. तो इक्वेटर के लाइन के दोनों तरफ ये रीजन है. कौन सा रीजन, इक्वेटोरियल रीजन. इसलिए देखिए इसको इक्वेटोरियल रीजन बोल दिया गया है. नाम से लग रहा है कि किस रीजन के आसपास है, ये इक्वेटर के. दिस रीजन इज सिचुएटेड अलोंग द इक्वेटर ऑन बोथ साइड. द रीजन इंक्लूड्स द अमेजॉन बेसिन इन साउथ अमेरिका, द Zaire बेसिन इन अफ्रीका एंड मलेशिया एंड इंडोनेशिया इन एशिया. अब ये रीजन जो है क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, ये रीजन इंक्लूड कर रहा है अमेजॉन बेसिन इन साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका का कौन सा बेसिन, अमेजॉन बेसिन. Zaire बेसिन इन अफ्रीका, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, अफ्रीका में कौन सा, Zaire बेसिन. एंड मलेशिया एंड इंडोनेशिया इन एशिया. अब एशिया कॉन्टिनेंट में कौन से रीजन आ गए, कौन से बेसिन आ गए, मलेशिया और इंडोनेशिया. सो दिस रीजन इज सिचुएटेड अलोंग द इक्वेटर ऑन बोथ साइड्स. द रीजन इंक्लूड्स द अमेजॉन बेसिन इन साउथ अमेरिका, द Zaire बेसिन इन अफ्रीका एंड मलेशिया एंड इंडोनेशिया इन एशिया. साउथ अमेरिका का अमेजॉन बेसिन, अफ्रीका का Zaire बेसिन एंड एशिया का मलेशिया एंड इंडोनेशिया. Zaire लोकेशन एंड लैंड. अब Zaire की लोकेशन की बात हो रही है और लैंड की. लुक एट द वर्ल्ड मैप बिलो, आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन वुड बी Zaire. अब डायरेक्टली Zaire की ही बात कर रहे हैं कि जो पहली डेस्टिनेशन है हमारी, जिसको हम पढ़ने चल रहे हैं, वो है Zaire. अफ्रीका की कंट्री है. Zaire इज ड्रेन्ड बाय द रिवर ऑफ द सेम नेम. और Zaire कंट्री में जो रिवर बहती है उसका नाम भी Zaire है. इसी कंट्री के नेम पे ही रिवर का भी नाम है और वो है Zaire. आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन वुड बी Zaire. Zaire इज ड्रेन्ड बाय द रिवर ऑफ द सेम नेम. Zaire इज लोकेटेड ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेटर. इक्वेटर के दोनों साइड पे ही ये नदी है, ये कंट्री है. हैंस दिस रीजन इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल रीजन. अब Zaire जो इक्वेटर के दोनों साइड तक फैली हुई है, ये नहीं कि इक्वेटर के नीचे ही तक है इसका एरिया, ऊपर भी थोड़ा सा टच करता है इक्वेटर के, इसीलिए इसका नाम हो गया इक्वेटोरियल रीजन. एंड Zaire इज ड्रेन्ड बाय द रिवर ऑफ द सेम नेम, दैट इज Zaire. एंड इट इज लोकेटेड ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेटर. सो दिस रीजन इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल रीजन, विषुवतीय क्षेत्र. दिस रीजन हैज़ अ हॉट एंड वेट टाइप ऑफ क्लाइमेट. गर्म और थोड़ा नमी भरा क्लाइमेट है यहाँ का. गर्म तो बहुत ज़्यादा है भाई, इक्वेटर पे तो डायरेक्टली सन रेस पड़ती है ना, जिसकी वजह से एरिया बहुत गर्म रहता है. थोड़ा वेट भी है. द फर्स्ट सिटी वी विल विजिट इन Zaire इज मटाडी. अब इस Zaire कंट्री में जो पहली सिटी है जहाँ हम विजिट कर रहे हैं, जिसकी बात करेंगे हम, वो है मटाडी. मटाडी एक सिटी है यहाँ की Zaire की. इट इज़ द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ Zaire. अब ये Zaire का सबसे बड़ा पोर्ट भी है, पोर्ट मिस पत्तन, एंड हैज़ अ रेलवे टर्मिनल. और इसी पोर्ट पे या इसी मटाडी पे एक रेलवे टर्मिनल भी है यहाँ पे. इट इज़ अ मॉडर्न सिटी. और ये सिटी कैसी है, मॉडर्न है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ भी हैं यहाँ पे. ये नहीं कि बहुत पुरानी हो गई है, नहीं नई है बिल्कुल, मॉडर्न. इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर Zaire. Zaire नदी के किनारे ये बसी हुई है. ऑन इट्स बैंक्स वी फाइंड लश थिक ग्रीन फॉरेस्ट. इसके किनारे पे हम लश थिक ग्रीन फॉरेस्ट हमें मिलेंगे, जैसे घनी वनस्पतियाँ हैं खूब हरी भरी, तो इसके बैंक के किनारे क्या मिलेंगी, लश थिक ग्रीन फॉरेस्ट.
द ट्रीज हियर आर वेरी टॉल, और जो पेड़ है यहाँ के वो बहुत लंबे होते हैं। हियर वी ऑल्सो फाइंड बम्बू एंड केन ट्रीज, बम्बू और केन ट्रीज भी यहाँ मिलते हैं, वही बांस है, और जो केन है वो भी बांस की एक प्रजाति है। द ग्राउंड अंडर द ट्री ऑल्सो हैज़ थिक वेजिटेशन, जो पेड़ के नीचे भी जो ज़मीन है, पेड़ जैसा पेड़ उगे हुए हैं तो आसपास के जो नीचे पेड़ के आए क्षेत्र होते हैं वहाँ पे भी थिक वेजिटेशन है, वो भी वेरियस काइंड्स ऑफ श्रब्स एंड बुशेस। तो वहाँ भी श्रब्स और बुशेस मिलेंगे आपको पेड़ के अंडरग्राउंड सरफेस पे। लार्ज क्रीपर्स विच क्लाइंब टॉल ट्रीज एड अप टू द थिक एंड लश वेजिटेशन ऑफ एरिया, कुछ क्रीपर्स भी हैं जो पेड़ पे चढ़ के आसानी से लग जाते हैं। तो द फर्स्ट सिटी वी विल विजिट इन ज़ायरे इज़ मटाडी, इट इज़ द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ ज़ायरे एंड हैज़ ए रेलवे टर्मिनल। इट इज़ अ मॉडर्न सिटी, इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ज़ायरे, मटाडी भी किस नदी के किनारे बसा हुआ है ज़ायरे। ऑन इट्स बैंक्स वी फाइंड लश थिक ग्रीन फॉरेस्ट, द ट्रीज हियर आर वेरी टॉल, बहुत लंबे पेड़ मिलते हैं यहाँ। हियर वी ऑल्सो फाइंड बम्बू एंड केन ट्रीज, कैसे पेड़ मिलेंगे वो भी बम्बू और केन ट्रीज। द ग्राउंड अंडर द ट्री और ऑल्सो हैज़ थिक वेजिटेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ श्रब्स एंड बुशेज, वही झाड़ियाँ जो होती हैं। लार्ज क्रीपर्स विच क्लाइंब टॉल ट्रीज एड्स अप टू द थिक एंड लश वेजिटेशन ऑफ द एरिया, बड़े बड़े क्रीपर्स भी हैं लंबे लंबे, वो भी पेड़ पे चढ़ के बनाते हैं। अ वेरी पेक्यूलियर थिंग अबाउट दिस फॉरेस्ट, बहुत ही कुछ स्ट्रेंज बात है इस पेड़ों के लिए, दैट द ट्रीज फ्लावर बर्ड बियर फ्रूट एंड इवन शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय में पेड़ों में फूल आते हैं, कली खिलती है, फूल खिलते हैं, फल खिलते हैं, और एक ही समय पे सारी पत्तियाँ भी झड़ जाती हैं। ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है इन पेड़ों में कि एक ही समय पे फूल खिला, पत्ती खिली और फल खिले, और एक ही समय पे पत्तियाँ झड़ जाती हैं, ये बहुत मेन रीज़न है। दे डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर सीज़न फॉर बियरिंग फ्रूट, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सीज़न नहीं होता है कि कब इसमें फल खिलेंगे, कि एक सीज़न में आप फल खिलेंगे, एक सीज़न में फूल खिलेंगे, ऐसा कोई पर्टिकुलर सीज़न नहीं है यहाँ पे। सो दे डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर सीज़न फॉर बियरिंग फ्रूट बडिंग और शेडिंग देयर लीव्स, कोई सीज़न नहीं पत्तियाँ गिरने का, फूल खिलने का, फल खिलने का। दिस फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन ऑल द ईयर, पूरे साल ये पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। हैंस दिस फॉरेस्ट आर राइटली कॉल्ड एवर ग्रीन फॉरेस्ट, इसीलिए इन पेड़ों को सदाबहार वन कहा जाएगा, सदाबहार मतलब पूरे साल हरे भरे रहेंगे। अ वेरी पेक्यूलियर थिंग अबाउट दिस फॉरेस्ट इज दैट द ट्रीज फ्लावर बर्ड बियर फ्रूट एंड इवन शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम, एक ही समय पर पेड़ में फूल आते हैं, कली आती हैं, फल आते हैं, एक ही समय में सारी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, उनका एक पर्टिकुलर सीज़न नहीं होता है फूल खिलने का, फल खिलने का या पत्तियाँ झड़ने का। दे डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर सीज़न फॉर बियरिंग फ्रूट बडिंग और शेडिंग देयर लीव्स, दिस फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन ऑल द ईयर राउंड, पूरे साल ये पेड़ हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन कहते हैं इंग्लिश में। दिस फॉरेस्ट आर राइटली कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, हमेशा हरे भरे रहते हैं पूरे साल। दिस फॉरेस्ट होल्ड विद इन देमसेल्व्स अ वेरी लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, अब यहाँ भी बहुत ढेर सारे जंगली जानवर भी मिलते हैं। हियर वी फाइंड एनिमल्स लाइक मंकी, रैनोसरॉस, हिप्पोपोटामस, बोर, चिंपैंजी, एलिफेंट्स, अब कौन कौन से जानवर मिलते हैं भाई, कई प्रजातियाँ जानवरों की भी, जैसे बंदर है, गैंडा है, दरियाई घोड़ा है, जंगली सुअर हैं, चिंपैंजी है, एलिफेंट हैं, तो ये सब कुछ जंगली जानवर भी हैं वहाँ पे। रेप्टाइल्स हैं जैसे जो रेंग के चलते हैं जानवर, जैसे छिपकली हो गई, सांप हो गए, रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स, लिजर्ड्स, पाइथन, अजगर हो गए, क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ रोम अबाउट फ्रीली, वो भी बिल्कुल आराम से घूमते हैं। दीज फॉरेस्ट प्रोवाइड अ नेचुरल होम टू दीज वाइल्ड लाइफ, अभी उनका प्राकृतिक तरीके से घर है इन जानवरों का। ड्यू टू दिस लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ ज़ायरे इज ऑल्सो कॉल्ड द नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड, इस वाइल्ड लाइफ की वजह से ज़ायरे को ही नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड नाम दिया गया है। ठीक, तो दिस फॉरेस्ट होल्ड विद इन देमसेल्व्स अ वेरी लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, हियर वी फाइंड एनिमल्स लाइक मंकी, रैनोसोरॉस, हिप्पोपोटामस, बोर, चिंपैंजी, एलिफेंट्स, तो ये सब यहाँ पे एनिमल्स मिल गए आपको। रेप्टाइल्स भी मिलते हैं, स्नेक्स, लिजर्ड, पाइथन, क्रोकोडाइल्स, रोम अबाउट फ्रीली। दिस फॉरेस्ट प्रोवाइड अ नेचुरल होम टू दिस वाइल्ड लाइफ, ड्यू टू दिस लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ ज़ायरे इज ऑल्सो कॉल्ड द नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड, इसी वाइल्ड लाइफ के कारण ज़ायरे को नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है।
नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है आपका? बट डू यू नो द रीज़न ऑफ दिस द स्क्रीन वेजिटेशन? अब इतनी हरी भरी जो वनस्पतियाँ यहाँ पे क्यों पाई जाती हैं, इसका रीज़न भी कुछ होगा, तो वो रीज़न क्या है? प्लांट्स नीड वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो. अब पेड़ पौधों को भाई सूरज की रोशनी और पानी चाहिए ग्रो करने के लिए. ज़ारे हैज़ प्लेंटी ऑफ बोथ. अब ज़ारे जो कंट्री, वहाँ पे पानी भी अच्छी मात्रा में है और सनलाइट भी है. भाई इक्वेटर इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटर में स्थित है, इक्वेटर क्षेत्र में, तो भाई सूरज की किरणें तो बहुत अच्छी मिलेंगी, डायरेक्ट पड़ती हैं बिल्कुल. तो यहाँ पे सनलाइट भी अच्छी खासी है और पानी भी है. द प्लांट्स हियर ग्रो वेरी फास्ट बिकॉज दे गेट एम्पल फूड ऑफ वाटर एंड सनलाइट. और जो पेड़ पौधे बहुत अच्छी तरीके से और तेज़ी से ग्रो करते हैं क्योंकि इन्हें आराम से पानी भी मिल जाता है और सनलाइट भी मिल जाती है, जिससे वो लोग अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. सो प्लांट्स नीड वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो. ज़ारे हैज़ प्लेंटी ऑफ बोथ. द प्लांट्स हियर ग्रो वेरी फास्ट बिकॉज दे गेट एम्पल फूड ऑफ वाटर एंड सनलाइट. ठीक, तो ये चीज़ें हो गई आपकी ज़ारे के बारे में, किस एरिया में है, इक्वेटोरियल रीजन में है. मेन जो इसकी सिटी है मेन वो है मटाडी. और जो ज़ायरे कंट्री है अफ्रीका की, यहाँ पे जो रिवर फ्लो करती है वो भी ज़ायरे है, इसी ज़ायरे कंट्री के नाम पे है. मटाडी एक पोर्ट सिटी है और वो भी ज़ायरे के किनारे बसी हुई है. द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ ज़ायरे वैरी थ्रू द डे. दिन भर में ही समझ लीजिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बदलती रहती है, इसकी जो जलवायु है वो दिन ब दिन बदलती रहेगी. दिन में कभी कुछ, शाम को कैसा मौसम, सुबह कैसा मौसम, अचानक ही चेंज होता रहता है. द मॉर्निंग्स इन दिस पार्ट ऑफ द ग्लोब आर प्लीजेंट विथ ब्राइट सनशाइन. अब जो सुबह का मौसम होगा वो बहुत ही आनंदमय और समझ लीजिए सुंदर होगा, बहुत बहुत सुहाना रहता है. विथ ब्राइट सनशाइन, आसमान बिल्कुल साफ रहता है, धूप खिली रहती है और बिल्कुल मनोरंजक मौसम होगा. द एयर हियर ऑलवेज रिमेंस मॉइस्ट एंड हमिड. और जो हवा रहती है उसमें हमेशा नमी बनी रहती है, यहाँ पे गर्म गर्म बिल्कुल नहीं रहेगी, नमी बनी रहेगी. द नून बिकम हॉट एंड द ह्यूमिडिटी इन द एयर मेक्स इट अनबेरेबल. जैसे जैसे दिन बढ़ने लगता है, धूप तेज होती रहती है, तो एकदम दोपहर का जब समय आता है तो बहुत गर्मी बढ़ जाती है और जो आर्द्रता होता है, आर्द्रता होती है वो हवा को बिल्कुल अनबेरेबल बना देती है, असहनीय बना देगी. इतनी गर्मी बढ़ने लगती है जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है. मॉर्निंग तो बिल्कुल प्लीजेंट रहेगी लेकिन जैसे जैसे नून होगी वैसे ही हवा इतनी गर्म चलने लगती है कि बिल्कुल आपके लिए असहनीय हो जाती है. द वेदर बिकम स्टिकी एंड यू टेन टू स्वेट अलॉट. इतना चिपचिपा मौसम होता है कि पसीना बहुत निकलता है, स्वेटिंग होने लगती है बहुत ज़्यादा. इन द आफ्टरनून द स्काई ऑल ऑफ अ सडन बिकम्स हेजी एंड क्लाउडी. अचानक से शाम जैसे होने लगेगी, शाम का समय आएगा, एकदम से आसमान में बादल छा जाएंगे और बिल्कुल धुंधला होने लगेगा. विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम द स्काई बिकम ओवर कास्ट एंड इट स्टार्ट्स टू रेन हैविली. और कुछ ही समय में ही आसमान में काले काले बादल घिर जाएंगे और भारी बारिश होने लगती है. तो देख रहे हैं कितनी तेज़ी से वैरी कर रहा है क्लाइमेट, मॉर्निंग में या नून में, फिर आफ्टरनून में देख रहे हैं कितना डिफरेंस आ गया. सुबह मौसम कितना बढ़िया था, प्लीजेंट था विद ब्राइट सनशाइन, जैसे जैसे नून होने लगा हॉट होती चली गई और ह्यूमिडिटी बढ़ती चली गई. जैसे ही आफ्टरनून हुई वैसे ही बादल, पूरे काले काले बादल घिर गए आसमान में, बहुत तेज़ बारिश होने लगती है. द रेन लास्ट फॉर एन आवर और टू. जो बारिश होती है वो 1 से 2 घंटे के तक के बीच होती है. दिस मेक्स द इवनिंग प्लीजेंट एंड द नाइट कूल. अब जब बारिश हो जाती है तो रातें भी ठंडी हो जाती हैं, मौसम सुहाना हो जाता है. द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे एंड द नाइट वेरीज कंसिडरेबली. रात का और दिन का टेम्परेचर बिल्कुल अलग अलग हो जाता है. दिन में बहुत गर्म और रात में ठंडा हो जाता है क्योंकि बारिश भी हो जाती है शाम को अच्छी खासी 1-2 घंटे के लिए. फ्रॉम मटाडी वी गो टू अनदर मॉडर्न सिटी ऑफ ज़ायरे किनशासा. अब मटाडी से हम किसकी तरफ चलेंगे, किस सिटी की तरफ? ज़ायरे और किनशासा. इट इज़ द कैपिटल ऑफ ज़ायरे. किनशासा जो है वो ज़ायरे की कैपिटल है. अभी तो हम मटाडी में थे, मटाडी जो है वो पोर्ट सिटी है ज़ायरे की. अब हम आ गए किनशासा जो कि ज़ायरे की कैपिटल है. इट इज़ द कैपिटल ऑफ ज़ायरे. द पीपल ऑफ ज़ायरे हैव बीन ट्राइंग हार्ड टू डेवलप देयर रिसोर्सेस. बहुत ही मुश्किल, मतलब बेचारे पहले समय इतना अच्छा नहीं था लेकिन अब धीरे धीरे वो लोग बहुत मेहनत कर करके अपनी जो सिटी है उसको अच्छे से डेवलप कर रहे हैं. ज़ायरे टू लाइक इंडिया रिसेंटली बिकेम फ्री. भारत की तरह इसको भी आज़ादी मिली है. वैसे भारत को बहुत मुश्किलों के बाद आज़ादी मिली, वैसे ही ये भी काफ़ी प्रयत्न करने के बाद ही आज़ादी हासिल कर पाया.
द पीपल हियर हैव क्लीनड अप फॉरेस्ट टू रेज क्रॉप्स, फसलें उगाने के लिए लोग जंगल वंगल सब साफ करते हैं. हियर दे ग्रो राइस, कॉटन, कॉफ़ी, रबर, बनाना, ग्राउंडनट. यहाँ पे लोग कौन कौन सी फसलें उगाते हैं, जैसे चावल है, कॉटन है, कॉफ़ी, रबर, केले, ग्राउंडनट, मूँगफली, ये सब चीज़ें उगाते हैं यहाँ पे. द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ ज़ायरे इज कसावा. कसावा है इनका स्टेपल फूड. कसावा एक प्लांट होता है, ट्रॉपिकल प्लांट, जिसकी जड़ें बहुत मोटी मोटी होती हैं और इससे एक तरीके से आटा बनाया जाता है. इस टाइप ऑफ फ्लोर दैट इज़ मेड फ्रॉम दीज रूट्स, इसकी जड़ों से आटा बनाया जाता है. तो आप लोग खाते हैं आटा वो. द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ ज़ायरे इज कसावा. स्टेपल फूड इज़ द बेसिक फूड, मेन फूड. जैसे हम लोग का स्टेपल फूड चावल दाल हो गया, वीट राइस, ऐसे उन लोगों का जो बेसिक फूड है वो है कसावा. कसावा इज़ अ रूट ऑफ अ प्लांट विच इज़ पाउंड टू पेस्ट टू मेक ब्रेड. तो इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लोर दैट इज़ मेड फ्रॉम दीज रूट्स. द पीपल हियर ऑल्सो हंट एनिमल्स फॉर फूड, जानवरों का भी शिकार करते हैं उन्हें अपने खाने के लिए. तो कितनी कितनी क्रॉप्स ये लोग उगाते हैं और जानवरों का भी शिकार करते हैं. ज़ायरे हैज़ प्रोग्रेस टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट. न्यू फैक्ट्रीज आर नाउ बींग सेटअप हियर. कई फैक्ट्रीज भी यहाँ लग गई, लोगों को रोज़गार भी मिला है जिससे. फूड प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड इन एक्सचेंज ऑफ मैनुफैक्चर गुड्स एंड मशीन्स. अब जो कई प्रोडक्ट्स हैं उनका आयात निर्यात भी होता है यहाँ से. एज वी मूव टूवर्ड द साउथ ऑफ ज़ायरे वी रीच कटंगा. अब साउथ के ज़ायरे के जब साउथ में आएंगे तो हम कटंगा पहुँच जाते हैं. दिस प्लेस इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स. यहाँ पर बहुत ढेर सारे मिनरल्स पाए जाते हैं. डायमंड, कॉपर, गोल्ड, मैंगनीज, जैसे सोना, हीरा, ये सब डायमंड्स और मैंगनीज, ये सब मिनरल्स जो यहाँ मिलते हैं. कहाँ पे? कटंगा में. फॉर दिस रीज़न मेनी पीपल हियर आर एंगेज्ड इन माइनिंग. इसी कारण से काफ़ी लोग यहाँ पे माइनिंग भी करते हैं. ज़ायरे अर्न्स लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ बाई एक्सपोर्टिंग दीज मिनरल्स टू अदर कंट्रीज. अब ढेर सारा पैसा भी उन लोग कमा लेते हैं ज़ायरे वाले लोग. काफ़ी फ़ायदा भी उनको हो जाता है जिससे ये लोग अपना आदान प्रदान भी कर लेते हैं, मिनरल्स का एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में. द पीपल इन दिस पार्ट ऑफ ज़ायरे आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग. ज़ायरे के इस पार्ट के जो लोग हैं वो बहुत ही लंबे और ताकतवर होते हैं. दे आर डार्क कॉम्प्लेक्शन, लेकिन जो उनका कलर होता है सांवला होता है, काले भी होते हैं वो लोग. दे हैव शॉर्ट एंड कर्ली हेयर एंड दे लीड अ मॉडर्न लाइफ स्टाइल. बाल उनके कर्ली होते हैं और थोड़ी हाइट कम होती है, और वो लाइफ स्टाइल उनकी कैसे जी रहे हैं वो लोग, मॉडर्न लाइफ स्टाइल. दे लिव इन पक्का हाउस. जो उनका घर है वो पक्का बना हुआ है, मिट्टी विट्टी का नहीं. जो घर बना है वो भी पक्का है बिल्कुल. दे लिव इन पक्का हाउसेस. दे आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड डांस. उन्हें डांस करना और म्यूजिक सुनना भी बहुत पसंद है. द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ डेवलपिंग फास्ट. आने जाने का रास्ता और लोगों का और अच्छा बनता जा रहा है. मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सब बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो रहा है वहाँ. मेनी सिटीज़ हैव बीन कनेक्टेड बाई रोड एंड रेल. अब रोड का भी माध्यम है जाने का, रेल का भी माध्यम है जाने का, एक जगह से दूसरी जगह, एक सिटी से दूसरी जगह जाने के लिए. सम लेक्स एंड रिवर्स आर ऑल्सो यूज फॉर नेविगेशन. लेक्स और रिवर्स का भी यूज़ होता है नेविगेशन के लिए. एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड इन ज़ायरे. एयर ट्रांसपोर्ट भी ज़ायरे में डेवलप्ड हो गया है. तो समझ लीजिए रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, ये सारे ट्रांसपोर्ट भी अच्छे से डेवलप्ड हो गए हैं ज़ायरे में. वाटर इज़ अ रिच रिसोर्स हियर. पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है यहाँ भाई. इट इज़ अवेलेबल ऑल अराउंड द ईयर. पूरे साल पानी मौजूद रहता है, इन लोगों को अच्छे से मिलता है. मेनी डैम्स हैव बीन बिल्ट. काफ़ी बांध भी बनाए गए हैं और उसी बांध के पानी से बिजली भी बनाई जाती है. एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैव बीन सेटअप. वी नाउ विजिट किशन गनी विच इज़ इन द नॉर्थ. अभी देख कितनी कितनी हम लोग सिटी पढ़ लिए थे. मटाडी हुआ, फिर किनशासा हुआ, फिर आपका कटंगा आया था जहाँ पे ढेर सारे मिनरल्स हैं. अब कटंगा के बाद एक है किशन गनी. वी नाउ विजिट किशन गनी विच इज़ इन द नॉर्थ. जो किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में. द पीपल इन दिस पार्ट आर शॉर्ट इन हाइट. यहाँ के लोग भी हाइट में छोटे होते हैं. दे आर स्किल्ड हंटर एंड दे कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये लोग कुशल शिकारी होते हैं और ये लोग एक जगह से दूसरी जगह तक चलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं. दे क्लियर फॉरेस्ट टू बिल्ड देयर हट. अपने रहने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए ये लोग जंगल भी काटते रहते हैं. दीज हट्स आर मेड ऑफ ट्री ट्रंक्स ब्रांचेज. और ये जो झोपड़ियाँ हैं इनकी तनों से, पत्तियों से, घास फूस से बनी होती है. जिस घर में ये लोग रहते हैं हट में, झोपड़ी में, वो ये लोग पत्ती, घास फूस इन सब से बनाए रहते हैं. दीज हट्स आर स्मॉल एंड राउंड शेप्ड. और ये जो हट होती है, झोपड़ियाँ होती हैं इनकी, छोटी होती हैं और गोल होती हैं. दीज हट्स वेरी इफ़िशेंटली प्रोटेक्ट. ये जो हट हैं
झोपड़ियाँ इन लोगों को, इससे भाई आप समझ सकते हैं बारिश हो रही होगी तो उससे भी बचा सकते हैं, जंगली जानवरों से भी बचा सकते हैं। अब घर में रहेंगे ना, बाहर तो ऐसे टहल भी नहीं सकते, तो इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए मौसम के हिसाब से जंगली और जंगली जानवरों से बचने के लिए ये लोग ये झोपड़ियाँ बनाते हैं, गोल झोपड़ी छोटी झोपड़ी। और ये लोग देख लीजिए, अब यहाँ पे यहाँ का जो रहन सहन है, वे लोग मेनली हंटिंग करते हैं, शिकारी होते हैं, तो जैसे जानवरों को मार के इन लोगों का भोजन भी उपलब्ध हो जाता है, तो जानवर को मारते हैं अपना खाना भी मिल जाता है इनको। अब उनमें से जानवर से इनको अंडे मिल सकते हैं, दूध मिलेगा, जो भी चीज़ें और मिलेगी। ठीक, तो ये सब आपका इसी किस चैप्टर में हमने पढ़ा, जायरे में। तो मेन जायरे जो आपकी कंट्री है, किस कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका में है, इक्वेटोरियल रीजन भी कहा जाता है इसको। तो मेन जो सिटी हम लोग पढ़े थे वो थी मटाडी, और ये जायरे का बिगेस्ट पोर्ट है, रेलवे टर्मिनल भी है यहाँ पे। और ये किस रिवर के किनारे है, मटाडी, जायरे, किस रिवर के, जायरे के। और इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट हैं ये साल भर हरे भरे रहते हैं, क्योंकि पानी बहुत बरसता है यहाँ पे, जिसकी वजह से इसको सदाबहार वन भी कहा जाता है। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी बहुत अच्छी है, और रेप्टाइल्स भी मिलते हैं यहाँ पे, और इसीलिए जायरे को नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद आप लोगों की एक सिटी और कौन सी थी, किनशासा थी, वही कैपिटल है वो जायरे की। यहाँ पे जो मेन उनका स्टेपल फूड था वो था आपका, मतलब बेसिक फूड जो था वो था कसावा, एक तरीके से फ्लोर बनाते हैं उनकी, इसकी जड़ से, एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है कसावा, जिसकी जड़ से हम लोग फ्लोर बनाते हैं, तो मेन इनका बेसिक फूड था कसावा। उसके बाद आपका आया था कटंगा, कटंगा मेन क्या था, कटंगा में यहाँ पे ढेर सारे मिनरल्स मिलते थे, जिससे ये लोग एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाते थे, जायरे वाले लोग। उसके बाद एक थी आपकी लास्ट वाली जो सिटी, क्या थी कटंगा के बाद, किशनगनी थी। यहाँ पे मेन लोग सब हर्डर्स थे, यहाँ से वहाँ जाते रहते थे, वॉन्डरर्स थे, मीन्स घूमना टहलना इधर उधर करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक ये लोग, यहाँ वाले लोग। और ये अपनी झोपड़ियाँ बनाते थे जंगल वंगल को साफ करके, और झोपड़ियाँ जो बनी होती थी वो ट्रंक्स, ब्रांचेस, लीव्स, ग्रास, इन सबसे बनती थी। ये झोपड़ियाँ इसलिए बनाते थे ताकि अपना आराम से रह सकें, बारिश से भी बच सकें, धूप गर्मी इन सब से बच सकें, अपना घर बना के, और जंगली जानवरों से भी बच सकें। तो ये आपका लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया है जायरे वाला। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं, वो आपको अगले अपडेट में मिल जाएगी, तो अच्छे से आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में। सो ओके, थैंक यू।